गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड वो है मिनिमलिस्ट का नियासिनेमाइड 10% प्लस जिंक। सो ये जो प्रोडक्ट है गाइज, लास्ट में 1 मंथ से यूज कर रही हूँ। एज यू कैन सी माई बॉटल, इतना ऑलमोस्ट मैं फिनिश कर चुकी हूँ, सी दिस, हाफ से ज्यादा मैं इसको फिनिश कर चुकी हूँ। और मैं सिर्फ इसको दिन में एक बार अप्लाई करती हूँ नाइट टाइम में। सो नियासिनेमाइड यूज करने के साथ एक आपको टिप दूंगी कि कभी भी आप विटामिन सी इसके साथ यूज ना करो, इससे पहले या इसके बाद में कभी भी विटामिन सी मत लगाओ, जस्ट आप नियासिनेमाइड लगाओ। तो नियासिनेमाइड बेसिकली क्या यूज का है, क्या काम करता है, तो ये आपके जितना भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार्स है, अनइवन स्किन टोन है, या आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस है, या रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो गए हैं, उनको ब्लर करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है, आपके जितना भी न्यू सेल्स है उनको जनरेट करता है, तो काफी सारे बेनिफिट्स नियासिनेमाइड लेके आता है। प्लस जिंक जो है वो आपकी जितना भी एक्सेस ऑयल है आपकी स्किन से उसको रिड्यूस करता है, आपके जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है, साथ ही साथ में आपको एक बहुत अच्छी सी स्मूथ सी स्किन प्रोवाइड करता है। तो ये जितने भी बेनिफिट्स है ये इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स है, बट क्या लिटरली ये जो प्रोडक्ट है वो आपको उसका रिजल्ट देता है या नहीं देता, इस वीडियो में आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। सो यस गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं अपनी 1 मंथ की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, डे 1 में कैसा रिजल्ट था, आफ्टर 10 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज, क्योंकि एक एक दिन मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो 10 डेज के गैप में आपको बता देती हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट है गाइज, मैं हमेशा जब भी अपना फेस वॉश करती थी नाइट टाइम में, टोनिंग करने के बाद ही अप्लाई करती थी, एंड देन मैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करती थी जो मैं नाइट टाइम में यूज करती हूँ, दैट्स इट, उसके बाद में सो जाती थी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आप दिन में भी यूज कर सकते हो, नाइट में भी यूज कर सकते हो, बट मुझे नाइट टाइम में लगता है कि कोई प्रोडक्ट आप पे बहुत अच्छा सा वर्क करता है, तो मैंने इसको नाइट टाइम में यूज किया था। तो चलिए फटाफट से मैं आपको अपनी स्किन की हालत दिखाती हूँ एंड देन इस पे क्या रिजल्ट था। सो यस गाइस, दिस इज डे 1 एंड यू कैन सी बहुत सारे एक्टिव एक्ने हैं मेरे अभी, और अच्छे वाले स्कार्स भी हैं मेरे फेस पे। सो चलिए आज से लगाते हैं इसको एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है नहीं देता है। प्रोडक्ट मेरे पास आज ही रिसीव हुआ है, एंड कंसिस्टेंसी एंड ऑल मैं आपको जैसे जैसे यूज करूंगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी। सो जस्ट आपको नॉर्मल थोड़ी सी ड्रॉप्स लेनी है अपने फेस पे एंड उसके बाद आपको इस तरह से अप्लाई करना है। तो नियासिनेमाइड का एक ही रूल है कि आप कोई भी विटामिन सी प्रोडक्ट के साथ इसको ना लगाओ, इसके पहले एंड इसके बाद में, और अच्छे से फेस को वॉश करके टोनिंग करके एंड देन आप इसको अप्लाई करो। तो यस, स्किन के अंदर तो बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो गया है एंड फेस पे ना थोड़ी सी स्टिकनेस लग रही है मुझे, इस तरह से ना आपको फील हो रहा होगा, एक चिपचिपापन सा रहता है वैसा है। सो चलिए मैं इसको लाइक 1 मंथ अप्लाई करूंगी एंड देन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो यस, दिस इज माय डे 1। हे गाइस, टुडे इज डे 10, 10 दिन हो गए हैं मुझे ये सीरम अप्लाई करते हुए एंड यू कैन सी माय स्किन, कोई भी एज सच मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। मोरोवर मुझे काफ़ी ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैंने डे 1 पे लगाया था तो एज सच ये सब कुछ नहीं थे एंड अभी बहुत सारे हो गए हैं। इस चिक पे आप देखो तो बहुत छोटे छोटे से आपको नज़र आएंगे, सी दिस यहाँ पे, तो एंड यू कैन सी माय एकदम जो एक्चुअल स्किन होती है वो, एंड यहाँ पे आप देखो फॉरहेड पे भी पिंपल है। इवन मुझे फॉरहेड पे कभी पिंपल नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो भी मेरी ये चिन एरिया में होते हैं, बट दिस टाइम मुझे चिक्स पे एंड फॉरहेड पे भी हुए हैं। सो चलिए मैं अभी आप लोगों के साथ इसको अप्लाई करती हूँ। मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश करा हुआ है एंड नाइट टाइम है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं नाइट टाइम में ही यूज़ कर रही हूँ इसको। सो बस नॉर्मल आपको इस तरह से लगा लेना है, सेंसेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, नॉर्मल जैसे हम कोई वाटर बेस्ड कोई चीज़ लगाते हैं वैसे ही फीलिंग आती है। सो बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे एंड यू कैन सी एक बहुत फाइन सा ग्लो आ जाता है इसको लगाने के बाद। 10 डेज में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेट्स ट्राई फॉर 20 डेज मोर एंड देन मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। सो गाइज, आज मुझे 20 डेज हो गए हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करते करते एंड यू कैन सी माई स्किन, कोई भी चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो पूरे अच्छे वाले जो स्कार्स थे मेरे डे 1 से वो एज इट इज़ है। मोर ओवर ये देखो आप, बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत एक्टिव एक्ने हो रहे हैं बड़े बड़े, सी दिस, ये सब कुछ पहले नहीं थे, आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो ये प्रोडक्ट 20 डेज हो गए हैं, अभी मुझे 10 डेज और यूज़ करना है क्योंकि मैंने इसका 30 डेज चैलेंज लिया था। क्योंकि कोई भी चीज़ को यार 1 महीना लगता ही है, स्पेशली सीरम को आपकी स्किन पे रिजल्ट लेने के लिए। तो मैं 1 महीना पूरा इसको यूज़ करूँगी। दो मेरी स्किन की हालत थोड़ी ख़राब हो रही है इसके कारण, एक्टिव एक्ने हो रहे हैं मुझे, बट फिर भी चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और। एंड स्कार्स पे मुझे सच नहीं लग रहा कि मेरे पे ये वर्क कर रहा है, बट यस ये जो मेरा पार्ट है जहाँ पे मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी, दिस एरिया एंड दिस वन, यहाँ से मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है मेरी स्किन। ये वाला सिर्फ टी जोन वाला पार्ट है वो मुझे अच्छा लग रहा है, अदरवाइज चीक वाला एंड चिन वाला एरिया ये जो है यहाँ पे नहीं अच्छा फील हो रहा बिल्कुल भी। तो चलिए मैं इसको अभी आप लोगों के सामने अप्लाई कर लेती हूँ फिर से दिस। जस्ट आपको डैब डैब करना होता है और स्किन के अंदर इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है एंड यू कैन सी। तो चलिए 10 दिन के बाद आप लोगों से मिलती हूँ अगेन। सो गाइस आज मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो गया है इसको यूज़ करते करते, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे एक्टिव एक्ने ना कभी रुके ही नहीं हैं, होते ही जा रहे हैं। बट इस स्कार्स पे ये थोड़ा सा वर्क करता है। 1 मंथ के बाद मुझे भी फील हो रहा है कि स्कार्स मेरे थोड़े से फेड आउट हुए हैं, अदरवाइज ना बाकी तो पिम्पल्स पे तो ऐसा कोई वर्क नहीं किया, ना रोकता है ना जो आए हुए हैं उनको मिटाता है। बट यस जो टी जोन एरिया है वो मुझे काफ़ी क्लियर लग रहा है इसको यूज़ करने के बाद। पोर्स की जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगी है कि काफ़ी हद तक कम हुई है, अदरवाइज एक्टिव एक्ने तो बुरी हालत में है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। सो गाइज इसको लगाने के बाद मुझे एक जो मेरे पोर्स वाली प्रॉब्लम थी वो मुझे काफ़ी हद तक लगी कि मेरी कम हुई है, मेरे ओपन पोर्स जो थे वो काफ़ी श्रिंक हुए थे। बट यस अगर आपके स्कार्स की प्रॉब्लम है, फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स के निशान है तो उस पर ये वर्क करेगा। बट यस अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। बट यस अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो नियासिनेमाइड 5% से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि इसके बाद आपको एक्टिव एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं या जो एक्ने थे वो कम नहीं हो रहे हैं तो प्लीज स्टॉप यूजिंग इट। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था मुझे नहीं अच्छा लगा, 1 महीने तक मैंने इसको पूरा यूज किया, उसके बाद भी कहीं जाके मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। क्योंकि पोर्स तो मेरे मिनिमाइज हुए हैं बट बाकी जो अदर प्रॉब्लम्स थी उस पे एज सच कोई भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। यस गाइज ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट मिनिमलिस्ट नियासिनेमाइड 10% प्लस जिंक। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। कोई भी तरह के डाउट है, कॉमेंट है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं फॉर श्योर आपको रिप्लाई करूंगी। सो यस गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।